यदि महाराज की आज्ञा हो तो हमारे अतिथि शमशेर खान और उनका विलक्षण तोता आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य बुलाया जाए, हम स्वयं तत्पर हैं उस दुर्लभ तोते से एक बार फिर मिलने के लिए। बुलाइए उन्हें। शमशेर खान, आप क्या कह रहे हैं? मैं सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है शमशेर खान, आप क्या कह रहे हैं? वो क्या है ना महाराज, कि इनका गला बैठा हुआ है, आज ये ऐसे ही बोल पा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए महाराज, हमें तो इनका तोता खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है ना, तो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप बताइए आचार्य, किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? महाराज, दो दिन तक इस तोते को अपने घर में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से हमने परखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाराज ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। इस विलक्षण तोते को अपने हाथ से जाने देना बहुत बड़ी भूल होगी महाराज। इसे तो अभी इसी समय तुरंत बिना एक क्षण गवाए 500,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेना चाहिए। यदि आप कहते हैं तो हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं महाराज, यह असाधारण तोता इससे कहीं अधिक का अधिकारी है महाराज। महाराज आइए आइए आइए, हम भी सोच रहे थे, अभी तक आवाज नहीं आई कहीं से इनकी। बड़ा विलंब कर दिया इस बार आपने ये अपना किंतु परंतु बीच में लाने का। अब निर्णय कैसे ले पाएंगे हम आपके किंतु परंतु के विघ्न के बिना? आइए आइए, आप यहाँ आइए, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए महाराज के सामने, अब कहिए जो कहना है। क्षमा करें आचार्य, क्षमा महाराज, परंतु मैं कोई विघ्न डालने नहीं आया। अब आपने कह दिया है तो निर्णय तो हो ही चुका है। मैं तो महाराज से केवल ये अनुरोध करने आया हूँ कि इस तोते का मूल्य चुकाने से पहले क्या हमें एक बार इस अद्भुत तोते की दिव्यवाणी नहीं सुन लेनी चाहिए? अच्छा, पिछली बार की छीछाली देरी से पेट नहीं भरा आपका, जो इस बार फिर से लज्जित होना चाहते हैं तोते से? क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु बुराई क्या है पंडित रामकृष्ण के अनुरोध में इस पक्षी का मूल चुकाने से पहले यदि उसकी विशेषताएं जांच ले तो कुछ गलत तो नहीं? क्या विशेषता जांच ले? कौन सी विशेषता जांच ले? हम जांच चुके हैं विशेषता। दो दिन क्या कर रहे थे तोते के साथ? हम कह रहे हैं ना, ये तोता इस मूल्य के योग्य प्रतिभा रखता है तो रखता है, इतना बहुत नहीं है? बहुत है आचार्य, आप तो स्वयं जानते हैं कि आपका कहा गया प्रत्येक शब्द हमारे लिए देवताओं का आदेश है। किंतु यहां पर प्रश्न आपका नहीं, इस तोते का, जिसे एक बहुत ही भारी धनराशि देकर खरीदा जा रहा है। तो यदि महामंत्री जी और पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता जांचनी आवश्यक है, तो एक बार जांच लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं लग रही है? महाराज, जैसा आप देख रहे हैं इन पक्षी विशेषज्ञ महोदय का गला बैठा हुआ है, अब इस स्थिति में ये संभव कहाँ है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता आचार्य, गला तो इनका बैठा हुआ है ना, तोते का नहीं। हमें तोते की वाणी सुननी है, ये पक्षी विशेषज्ञ महोदय की नहीं। क्यों नहीं? अवश्य अपने मिट्टू मियां से कहिए कुछ बोल के दिखाए महोदय, ताकि इस पंडित को और यहाँ मौजूद सबको पता चले के तथाचार्य के निर्णय स्वयं भगवान का आदेश। कहिए कुछ बोलने के लिए। मुमकिन नहीं है? कह रहे हैं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मान्यवर? क्योंकि ये सिर्फ हमारी आवाज सुनकर बोलती है। कुछ समझ में नहीं आया, जरा एक प्रयास और करेंगे। ये सिर्फ हमारा बात सुनकर बोलती, ये केवल आपकी आवाज सुनकर बोलता है। अरे रे 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 महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये तोता केवल इनकी आवाज सुनकर ही बोलता है। अब इस तोते के साथ साथ हमें इन्हें भी सदैव के लिए महल में रखना होगा, क्योंकि इनके बिना इस तोते का क्या काम? अरे क्यों झूठ बोलता है मकान शमशेर खान? किसने कहा कि मैं केवल तेरी आवाज पर ही बोलता हूँ? मैं केवल अपनी इच्छा से बोलता हूँ। तेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है? चालसाज कहीं के, धोखेबाज, चालबाज सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। वही बोलना पड़ता है जो बुलवाना चाहता है, नहीं
भाई मनी हो गया काम तमाम, धनराशि गई तो गई, इस बुड्ढे का अध्याय भी यही समाप्त समझ। अभी ये तोता इस बुड्ढे की असलियत खोलेगा और बुड्ढा महल से बाहर होगा। शमशेर खान, ये क्या बोले जा रहा है तोता तुम्हारा? अरे इस कपटी से क्या पूछते हो महामंत्री जी, मैं बताता हूँ ना, इसने तो कल ये भी कहने को कहा था कि ये जो खड़ा है ना तुम्हारे राजगुरु तथाचार्य अव्वल दर्जे के धूर्त है। सालों से अंधश्रद्धा के नाम पर विजयनगर की भोली भाली प्रजा को लूट रहे हैं और तो और राज्य के राजकोष पर भी गिद्ध की तरह कुदृष्टि गड़ाए बैठा है ये पाखंडी। तब अवसर मिले और कर दे राजकोष खाली, इससे बड़ा लोभी और मक्कार संसार में पैदा नहीं हुआ। बस बस शमशेर खान, बंद करवाई अपने इस तोते का मुंह। हम सब कुछ कह सकते हैं कि तू हमारे राजगुरु का अपमान नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्षमा करें महाराज, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपने इस कपटी स्वामी के आदेश का दास हूँ, वही कहता हूँ जो ये कहलवाना चाहता है। दंड का असली अधिकारी तो ये चालबाज मेरा स्वामी है। दंड देना है इस महापाखंडी को दीजिए महाराज। इसने ही तो मुझसे कहा था कि महल में स्थापित होते ही सर्वप्रथम इस पंडित रामकृष्ण का पत्ता साफ करना। और तो और महाराज, इसने ये भी कहा कि अगला लक्ष्य ये महामंत्री होना चाहिए। जब तक ये इस महल में है, इसका षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? आपके राज्य पर हमला करके इस राज्य को अपने अधीन बनाने का षड्यंत्र महामंत्री जी। विशेषज्ञ नहीं है महाराज, ये पड़ोसी देश का भेजा वो अय्यार है जो यहाँ मेरे द्वारा इस महल की जड़ों में अपने षड्यंत्र का बीज बोने का लक्ष्य लेकर यहाँ आया है। क्या है ये झूठ है महाराज? बंदी बना लिया जाए इस धोखेबाज को। रहम सलामत, आपको ये यार नहीं आते हैं। हम तो फनकार, केवल फनकार, हम छोटा मोटा ठग कह सकते हैं। साधारण तोते को असाधारण बनाकर ज्यादा से ज्यादा रकम बेचते हैं और कुछ नहीं भी रखा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका तोता झूठ बोल रहा है कि आप तैयार है? बोली मेरा मतलब है बोला, हम सबके सामने बोला, हम सबने सुना। मैं तो परेशान हूँ, सोच सोच कर वो कैसे बोली। जैसे पहले बोला वैसे अभी बोला। पहले भी नहीं बोली। पहले भी बोला, हम सबने सुना, महाराज ने, दोनों महारानियों ने, आचार्य ने, मंत्रीवर ने, मैंने, यहाँ उपस्थित सभी सभापतियों ने, हम सबने सुना। वो ये नहीं थी। ये तो था। नहीं थी। तो कौन था? हम था। हाँ हाँ, आप भी थे, मैं भी था, हम सब थे, परंतु बोला तो आपका तोता ही था ना? नहीं बोली। तो कौन बोला? नहीं बोली। क्यों नहीं बोल सकता? ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये परिंदा है, ये कैसे बोल सकती? तो कौन बोला? बोला कौन? हम बोली, जो भी बोली हम बोली, हमेशा हम ही बोली, और हम सब परिंदा की तोते बोले। यही वो फन है जिसको फायदा उठाकर हम साधारण तोते को असाधारण दिखाकर ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठी कर लेती थी। हमारा कुछ कुछ साजिश वाजिश नहीं, अब कोई अय्यार वय्यार नहीं बाबा की। किंतु तुम्हारी आवाज तो बैठी हुई है, तो आज तुम्हारी जगह तोते की आवाज किसने निकाली? तुम सोच रहे कि जब आपने निकाली तो उसका वजह कौन निकाल रहे? महाराज वो मेरी आवाज थी। किंतु पंडित रामकृष्ण जी, महामंत्री जी, आपको मेरे अधर हिलते हुए नहीं दिखे, किंतु बोल मैं ही रहा था।
बड़ी ही दुर्लभ कला है महाराज, इसे पक्षी भाषा कहते हैं। कड़े अभ्यास के बाद कहीं जाकर सीखी जा सकती है। बिना अदर हिलाए पेट से बोला जाता है ऐसे। सरल नहीं है सीखना इसे, परंतु जैसे तैसे बस सीख ही लिया। कैसी लगी सबको? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, किंतु इतनी दुर्लभ कला आपने इतनी जल्दी सीख कैसे ली? सब माँ की अनुकंपा है महाराज, उनका आशीर्वाद हो तो क्या संभव है। और वैसे भी बिना ये कला सीखे इन महाशय का भांडा मैं कैसे फोड़ पाता, सीखनी पड़ी। महाराज अब क्या करना है इस ठग का? इस ठग को यहाँ से ले जाया जाए और अकेले नहीं, इस जानवर से हमारे साथ और भी। हमारी और क्या देख रहा दुष्ट, अब तुझे यहाँ कोई छत्र छाया नहीं मिलने वाली। हमारे राज्य में आकर हमारे महाराज को ठगने का नीच प्रयास करता है तू, और हमसे सहानुभूति की आशा करता है? फांसी के फंदे तक घसीट कर लेके जाएंगे तुझे। यदि हमें पता होता ना एक कलाकार के मुखौटे के पीछे एक दुष्ट ठग छुपा है, तो अपने हाथों से तेरा बंद कर देखिए देखिए भरे दरबार में हमें धन का लालच दे रहा है, विजयनगर के राज पुरोहित को लालच दे रहा है ये तो दुष्ट। अभी एक शब्द और नहीं वरना फांसी पर चढ़वा देंगे। बुद्धि से काम ले बैठा, खामोश रहे, जो हो रहा है उसे होने दी, बाद में चक्कर चलाकर तुझे बचा लेंगे। महाराज इसे बंदी बना दिया जाए। ऐसा ही हो। सिपाहियों ले जाओ इसे। महाराज तो ये थी इस ठग की कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। ठग शमशेर खान जिसका काम ही अलग अलग राज्यों में जाना और अपने पक्षी भाषा के इस फन से लोगों को ठगना था, इसी लक्ष्य के साथ वो यहाँ आया। बेचारे भोले भाले आचार्य को अपने लच्छेदार बातों में फंसाया और इनके कंधों पर तलवार रखकर अपनी योजना पूरी करनी चाहिए। तो बेचारे आचार्य इतने निर्मल, इतने निर्दोष, निष्पाप हैं कि उस चतुर ठग के जाल में फंस गए और उसे अपना पूरा सहयोग भी प्रदान किया। देखिए तो सही महाराज कितने अबोध हैं हमारे आचार्य। मैं आदरणीय आचार्य से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इस पूरे संदर्भ में मुझे इनके बारे में भी कुछ कटु वाक्य कहने पड़े। मुझे आशा है कि मेरी व्यवस्था को समझकर कि ये सब इस चतुर ठग का प्रपंच सबके सामने लाने के लिए अत्यंत आवश्यक था, महान राजपुरोहित तथाचार्य मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। कितना समझते हैं हमें हमारे प्रिय सलाहकार महोदय। बिल्कुल सही कहा इन्होंने महाराज, बिल्कुल सही कहा। बस हम तो यही चाहते थे कि यदि ये विलक्षण तोता हमारे राज्य के काम आ जाता तो कितना अच्छा होता, परंतु हमें नहीं पता था कि वो विश्वासघाती इतना दुष्ट निकलेगा महाराज। यदि हमें पता होता तो हम जानते हैं पता होता तो आप क्या करते आचार्यवर, आप स्वयं उस ठग के प्राण हर लेते। जी। अभी अभी आप ही ने कहा दो बार हमसे। जी। आचार्यवर क्षमा कीजिए किंतु इतना भोलापन भी ठीक नहीं है। हाँ। ऐसे तो कोई भी आपके भोलेपन का लाभ उठाकर जा सकता है, खासकर आपको ऐसे कुटिल लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी महाराज जी हम प्रयास करेंगे महाराज। पंडित रामकृष्णा। नीनी महाराज इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, इस बार स्वयं इस तोते ने बोला। तोता बोला? ये तोता तो बोल नहीं सकता है। राम का नाम ले रहा है आचार्य, राम का नाम तो ले सकता है। देखिए रामा रामा रामा, देखिए देखिए सुनिए। पंडित रामकृष्णा कितना आभार व्यक्त करें हम आपका, प्रतीत होता है कि हमारे धन्यवाद कम पड़ जाएंगे किंतु आपकी कर्तव्य निष्ठा की कभी कोई सीमा नहीं मिलेगी। हमें गर्व है कि आप हमारे दरबार की शोभा हैं। धन्यवाद। और हम सोच रहे हैं कि इस बार आपको क्या भेंट दी जाए। चलिए एक काम करते हैं, आज आपको हम एक
ऐसी भेंट देते हैं जिस पर केवल आपका अधिकार है। ये तोता आज से आपका हुआ पंडित रामकृष्णा। धन्यवाद महाराज। रामा, पर तूने उस आचार्य को क्यों छोड़ दिया? महाराज के सामने उसका भांडा क्यों नहीं फोड़ा? पहली बात तो ये गुंडप्पे की चाहे जो भी हो, महाराज कभी नहीं मानेंगे कि आचार्य वास्तविक रूप में विश्वासघाती हैं। ऐसी अटूट श्रद्धा है उनकी आचार्य पर, और यदि मान भी जाते तो क्या होता? आचार्य की वास्तविकता जानकर जो आघात महाराज को पहुंचता उसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। विश्वास टूटने की पीड़ा बड़ी असहनीय होती है गुंडप्पे। मैं नहीं चाहता था कि महाराज आचार्य की वास्तविकता जाने और उन्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़े। रही बात महाराज के आचार्य की वास्तविकता जानने की, तो मेरे प्यारे गुंडप्पे, झूठ ना एक कागज की नाव की तरह होता है जो बहुत दूर तक बहुत देर तक नहीं चलता, आखिरकार तो उसे ढूंढना ही पड़ता है। उसी तरह आचार्य का सत्य भी एक ना एक दिन महाराज के सामने आ ही जाएगा। हमारे महाराज बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान हैं। क्यों मिट्टू महोदय? बस अंधी श्रद्धा की काली पट्टी उन्हें कुछ देखने नहीं दे रही। जिस दिन उनकी आंखों से अंधविश्वास की ये पट्टी हटी, उस दिन आचार्य का काला अध्याय भी सदैव के लिए समाप्त। ये क्या कर दिया? अम्मा कह रही है उपहार भेंट में एक तोता ही तो मिला था, उसे भी उड़ा दिया। यही तो इनकी वास्तविक दुनिया है अम्मा, ये खुला आसमान, वो उसके लिए ही बने हैं, स्वतंत्र निर्भीक प्रफुल्लित। यही है इनकी असली दुनिया, किसी स्वार्थी शिकारी का बंद पिंजरा नहीं। क्या कर रही है? क्रोधित हो रही है। तोते के लिए? नहीं, मैं बकरी के लिए। बकरी के लिए? अरे उस दिन एक मैं बकरी को अपने पिताजी की आत्मा बताकर घर में ले आए, अपने मन की चलाए। आपको क्या लगा ये तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? पर वो बात तो पुरानी हो गई ना अम्मा। मुझे क्या करना चाहिए? आपको नहीं पता क्या करना चाहिए? पता है शारदा, पर थोड़ी मदद कर दो, बता दो क्या करूं? उठा लो। क्या तुम मुझे वही उठाने के लिए कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, उठा लो। अम्मा, अरे अरे अम्मा रुक जाओ। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। शारदा शीघ्र आए नमः, शारदा शीघ्र आए नमः, शारदा शीघ्र आए नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। कुत्ता अम्मा की नींद और मेरी योजना में विघ्न उत्पन्न करेगा, भगाना पड़ेगा इसे। रुक रुक। दुष्ट कहीं का, अभी सबक सिखाता हूं। चला गया।